तो दोस्तों यहाँ पे हमें बम जी मिले हैं और बम जी बताएंगे। बम जी रास्ता कैसा है पूरा? रास्ता तो ठीक ही है, बालू बिछा हुआ है। बालू भवन है, प्रशासनिक शिविर बांक है, ये देखते हैं ये जगह जो बांक कहलाता है। यहाँ पे देखते कुछ और बम चल रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम। तो यहाँ पे जो है ना हमारा काउंटिंग होता है, कवरिया काउंटिंग, इसका भी सेट पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है। यहाँ पे देख सकते दुमा में भी फुहारा लगा हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे भी फुहारा लगाया गया है। दोस्तों अभी हम जो है दर्शनीय मोड़ से चलना स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पूरा जो है सेट बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लाइटिंग वगैरह लग गया है, इधर साइड जो है सिर्फ लगाना है। तो अभी हम आपको यहाँ से लेके चलेंगे और आपको पूरा झारखंड जो है बॉर्डर तक दिखाएंगे। थोड़ा सा ये जो है लेंदी वीडियो होगा, पूरा जो मैं आपको दिखाते जाऊँगा कि किस प्रकार से काम हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, भाई को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो फ़ोन पे नंबर है ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि मैं लगातार जो है लेटेस्ट आप लोग को वीडियो देता रहूं। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं चलना स्टार्ट कर दिया हूं दर्शनीय मोड़ से, और यहां पे अगर आप देखें तो ये पूरा जो है तैयार कर दिया गया है और पूरा ये सेट बना दिया गया है और लाइटिंग वगैरह भी लगा दिया गया है, बहुत बेहतर इस बार सुविधा दिया गया है। और चलिए आगे हम देखते हैं कि कितना कवरिया हमें मिल रहा है, कवरिया पथ में कवरिया आ रहे हैं या नहीं, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और लगातार ये वीडियो हो सकता है कि आधा घंटा का भी हो सकता है, क्योंकि मैं पूरा जो है स्किप थोड़ी सी भी नहीं करूँगा ताकि आपको पूरा जो है वीडियो अच्छी तरीके से दिखे। तो ये देख सकते हैं पूरा, और यहाँ तक तो पूरा काम हो गया। इधर देखिए गेट वगैरह भी लग गया है और मेट वगैरह बिछा है कि नहीं वो आपको देखने मिलेगा। इधर जो है आपको दाहिने साइड में जो मेट बिछा हुआ रहता था, मेट नहीं बिछा हुआ है और बिछ जाएगा जल्दी ही, अभी तक तो इसमें नहीं बिछा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ क्या कार्य हुआ है वो सारा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको धीरे धीरे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा धीरे चलाइएगा। और अभी जो है कुछ कुछ कवरिया आ रहे हैं और बहुत सारे कवरिया हमें मुझे पता है कि आज मिलने वाले हैं, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और यहाँ पे टोल टैक्स कटता है और दहना साइड, चलिए उधर राइट से चलिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कवरिया आ रहे हैं देख सकते हैं, और इधर जो है तैयारी भी चल रहा है। चलो देखना साइड पूरा सट के, तो ये देख सकते हैं ये जो है हमारा, ये पूरा भी तैयार नहीं हुआ है, इसका भी सेट बन ही रहा है, जो कि ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में जब। और ये सुरक्षा के लिए बनाया गया कि कवरिया, क्योंकि इधर मेन रोड है, किसी तरह का घटना ना घटे इसी वजह से इसको बनाया जाता है, पूरा ये बैरिकेड कर दिया जाता है। तो अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ दूर तक हुआ है, पूरा जो है लग जाएगा इसमें पंडाल वगैरह, तो कलर वगैरह बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए इसका सिर्फ जो है छोनी हुआ है, तिरपाल वगैरह बिछ चुका है। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बालू वगैरह जो है गिरा चुका है। ये हम लोग जो है, हाँ ये हमारा जो है ये गेट जो है हमारा बोल सकते हैं भूत बंगला है, और अभी जो है बालू बिछा है कि नहीं वो हम आपको दिखाने वाले हैं, और कवरिया आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा। तो जल्दी से इससे आगे निकलिए और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जेसीबी वगैरह जो चल रहा है, अभी इसका काम ही हो रहा है। और इधर देखिए बालू वगैरह नहीं बिछा हुआ, इसका जो इधर जो है सही कर दिया गया। सबसे पहले जो नाला वगैरह था इसको सही कर दिया गया है, और पूरा जो है इधर गड्ढा गुड्ढी था। इधर देखिए कुछ कुछ जो है दुकानें बनना शुरू हो गया है, ये देखिए दुकान यहाँ पे बन रहा है, और ये सब जो है बिल्डिंग जो है सेवा शिविर जो लगा हुआ था तो उसको कलर वगैरह कर दिया। ये सब देख सकते हैं फ्री सेवा, वो सब धर्मशाला टाइप का है। और इधर भी एक शिविर लगा हुआ रहता था, तो ये देख सकते हैं ये सब अभी तैयार हो गया है। इधर एक भवन बना है, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य केंद्र आता है, विश्वनाथ भवन है देख सकते हैं यहाँ पे। और इधर जो अगर हम दिखाएं तो इधर जो है दुकान वगैरह जो है पूरा अभी जो है नहीं तैयार हुआ है। इधर अगर देखें, अगर कहीं आगे देखने को मिलता तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इधर पूरा ये सब दुकान रहता था, लेकिन अभी जो है एक भी बना हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे शौचालय वगैरह जो है प्राइवेट शौचालय है, ये सब सारा तैयार हो गया, सरकारी तो तैयार हो ही गया है। और देखिए इधर कहीं भी दुकान आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं तो पिछले बार तो काफ़ी दुकान दिख रहा था। यहाँ पे देखिए बालू जो है बिछ गया है, लेकिन बालू को गिरा दिया गया लेकिन बिछाया नहीं गया है। तो यहाँ पे अभी झारखंड में किसी प्रकार से इधर काम नहीं हुआ है, आप देखें तो बहुत बेहतर यहाँ पे आपको लगेगा। तो इधर देखिए ये जो हमारा नंदी भवन है जो यहाँ पे अभी बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये जगन्नाथ धाम है, इसको भी मैं कवर करूँगा। और इधर देखिए ये जो शौचालय है ये पूरा बन चुका है, ये जो है सरकारी है आराम से। और ये देखिए फुहारा लग गया है, धीरे धीरे चलिएगा, हम आपको दिखाते हैं
यहाँ पे जो देखें आप, ये हमारा फुहारा लग चुका है, देख सकते हैं जो फुहारा लगता है ये फुहारा लग चुका है। और भी देखते हैं कहाँ कहाँ फुहारा लगा है, बहुत सारा जगह फुहारा लगने वाला है। तो बहुत बेहतर इस बार सुविधा दिया है, और सिर्फ बालू नहीं बिछा हुआ, अदरवाइज जो सुविधाएं जो है शुरू हो गया है, जो सरकार के थ्रू से आपको देने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ बम मिले हैं धीरे धीरे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको जो है फुहारा दिख रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं फुहारा लग चुका है। और आगे चलते हैं और आगे मैं दिखाता हूँ, इधर जो है दुकान वगैरह जो है बन चुका है। ये शिविर है, ये पिछले बार भी यहाँ एक शिविर लगा हुआ रहता था, ये शिविर बन चुका है पूरा, कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कंप्लीट होता था हम जरूर दिखाएंगे। ये हमारा जो खिजुरिया कहलाता है, ये खिजुरिया का जो है शिविर है, और यहाँ पे बहुत सारे बम चले हैं, देख सकते हैं, बोल बम बोल बम बोल बम। तो यहाँ देख सकते हैं बम ये सब है, और भी बम हमको देखने को मिलेगा आगे, चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ना कुछ कुछ बम आ ही रहे हैं। हाँ यहाँ देखिए एक दुकान हमें देखा है कि यहाँ पे देखिए एक दुकान यहाँ बन चुका है, और ये दुकान तो बहुत पुराना है, ये भी दुकान जो है पूरा जो है आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, ये दुकान भी बन गया है। और आगे चलते हैं और आगे हम दिखाते हैं और कहाँ का दुकान बना है, ये देखते हैं अंदर से ही दुकान बनाया गया है, मतलब कि थोड़ा सा दूर हट के सारा दुकान बनाया जा रहा है, ना कि करीब, क्योंकि सरकार जो है मना कर दिया गया कि अभी जो दुकान है अभी नहीं बना सकते हैं। अभी देखिए ये जेसीबी जो चल रहा है ये पूरा कवरिया पथ के काम के लिए ही जाएगा, आगे जो है इसका जो भी प्लानिंग करेगा उसको दिखाया जाएगा। तो जल्दी से थोड़ा सा आगे निकल जाइए क्योंकि साउंड वगैरह थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये देख सकते बालू गिरा दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते फिर कुछ कवरिया बम मिले, बोल बम। तो देख सकते हैं यहाँ पे, इधर भी देखिए दुकान कुछ बन रहा है, और भी बहुत सारे कवरिया जो है बहुत आनंद होते हुए बीच बीच में बैठ जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए इधर जो है दुकान बनना यहाँ से शुरू हो गया है, ये है झारखंड में। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं, बालू नहीं बिछा हुआ, बालू जो है हर जगह जो है गिरा के भी रखा हुआ है, अभी बिछाया नहीं गया है, और इसलिए नहीं बिछाया कि अभी जो है इधर काम कर रहा है तो बिछा देगा तो गाड़ी वगैरह आने जाने में दिक्कत होगा, इसलिए अब जो है बिछाना शुरू करेगा। चलते हैं देखते हैं कहाँ पे बिछा है, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है इधर देखिए पूरा बालू गिराया हुआ है, देख सकते हैं इधर, लेकिन बिछा हुआ नहीं है, हर जगह बालू गिरा दिया गया है, और बहुत बेहतर सुविधा रहेगा। और यहाँ पे देखिए जेसीबी वगैरह कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा जो है बालू यहाँ पे गिरा के रखा हुआ है, जो कि इसको बिछाया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टेंट बनाया गया, जो कि हमारा बोल सकते हैं जितना भी प्रशासन है यहीं पे ठहरेंगे, उसके रहने की व्यवस्था दिया गया है, तो ये प्रशासन के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर एक फुहारा आपको मिल गया, यहाँ पे फुहारा भी लगा हुआ है। और इधर भी देख सकते हैं ये सुविधाएं हैं, सो सरकारी सुविधा है, यहाँ पे आप ठहर सकते हैं, शायद इस जगह दुकान वगैरह लगेगा। और इधर पूरा बन रहा है अच्छे तरीके से, और कवरिया जो है रास्ते में हमेशा हमको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, अभी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कवरिया देख सकते हैं दो तीन इस तरह का दिख रहा है, सारा जो है इस तरह जो है कलर नहीं किया हुआ था, सारा कलर कर दिया गया, मैं कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आप देख रहे हैं इसमें जो है बहुत बेहतर तरीके से इसको तैयार किया गया है। इधर देख सकते हैं बालू गिरा हुआ है, हर जगह जो बालू गिरा के रखा है, सिर्फ इसमें क्या बिछाने की जरूरत है, बिछाया नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत सारा दुकान लगा हुआ रहता था, अभी दुकान आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो इधर देखने को मिल रहा है, जहाँ जहाँ मैं दुकान दिख रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए। तो ये जो है मेरा पूरा खिजुरिया जो है इस तक का मैं आपको ये दिखाया, खिजुरिया है। और आगे चलते हैं, इधर भी देखिए इस सब में दुकान बनेगा, अभी नहीं बना है तो इसमें जरूर बनेगा जैसे सर। और यहाँ पे देखिए पानी के लिए व्यवस्था को कलर कर दिया गया, लेकिन नल वगैरह अभी नहीं लगाया गया है। और आगे हम दिखाते हैं इस जगह जो एक मूर्ति लगा हुआ रहता, तो इस जगह अभी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे गेट लगा दिया गया है ताकि आपको बहुत बेहतर देखने में लगे। और देखिए इधर जो है फिर यहाँ पे भी बालू रास्ते में गिरा दिया गया, सिर्फ इसको फैलाया नहीं गया है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे एक शिविर लगता था शायद औरंगाबाद या कोई एक शिविर लगता था, जो कि अभी यहाँ पे नहीं लगा है इस साल, तो हो सकता है कि कुछ मतलब कि अगले महीने लगे। और यहाँ पे देख सकते हैं धीरे कुछ कुछ यहाँ पे कवरिया आपको दिख रहा है। और चलिए देखिए यहाँ पे फिर फुहारा जो आपको देखने को मिला है, हर मतलब कि एक किलोमीटर की दूरी के अंदर आपको जो है एक फुहारा देखने को मिल रहा है, ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। और कवरिया जो हमें लगातार जो है मिल ही रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें कवरिया, एक हमारा कवरिया फिर यहाँ पे देखने को मिला है, बोल बम। फिर हमें इस टर्निंग के पास भी काफी दुकान रहता था, लेकिन अभी आपको दुकान एक भी देखने को नहीं मिल रहा है। और ये झारखंड की स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ कि दुकान अभी नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे फिर बम आ रहे हैं, देखिए बोल बम
बोलबम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है, नल वगैरह भी इसमें फिट नहीं हुआ, टंकी वगैरह लग गया है। यहाँ पे फिर एक फुहारा लगा हुआ है, हम आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं, फिर यहाँ पे फुहारा लगा हुआ है, जगह जगह पे अभी फुहारा लगा दिया गया है, बहुत कम ही कम दूरी पे। यहाँ पे फिर देख सकते हैं कुछ बम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और चल रहे हैं, और कुछ ना कुछ बम जो है आपको रास्ते में मिलते रहेंगे हमेशा। अभी अब जो शुरुआत हो चुकी है तो 100% है कि आपको बेहतर आपको देखने को मिलेगा। और चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं इधर बालू वगैरह जो है गिर चुका है, लेकिन सिर्फ बिछाया नहीं गया। यहाँ पे जो एक शिविर लगता है इसका काम जो है फिर तेजी से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे पहले ऐसे टेंट वगैरह नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन ये वाला शिविर जो है चालू हो जाएगा। ये देखिए इस पे काम शुरू हो गया है, और आगे चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं कि कैसा रहेगा। यहाँ पे कुछ और भी बम हमें देखने को मिल रहा है, देख सकते जा रहे हैं एक बम, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह हर जगह लगा हुआ रहेगा, सावनी मेला 2023 इसके लिए ये बनाया गया है। और चलिए आगे, इतना दूर तक मैं आ चुका हूँ, अभी तक ये हमारा सराशनी काल आता है, यहाँ तक आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिला कि हमारा जो है बालू बिछा हुआ रहेगा। बस बालू जो है गिरा दिया गया है, बिछाया नहीं गया है, ये मैं पूरा आपको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर देखिए ये सब जो है ना पूरा दुकान लगा हुआ रहता था, अभी जो दुकान इसमें कहीं पे नहीं लगा हुआ है, शायद देखिए शुरुआत हो रही है कि ये दुकान इसमें बनाया जाएगा, इसमें शायद देखिए घेराव वगैरह कर रहे हैं, लाइटिंग वगैरह सुविधा हर जगह लगा दिया जा रहा है। एक चीज जैसे देख सकते हैं कि हर जगह जो है यहाँ पे LED लगा दिया गया, पहले LED नहीं था, और पूरा देख सकते हैं नीचे भी हर एक पोल में, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, मतलब कि सुविधाएं बहुत अच्छा है। देख सकते हैं इस बार जो है लाइटिंग वगैरह सारा चीज लग चुका है, सिर्फ बालू नहीं बिछा हुआ और दुकान की नहीं है, अब जगह जगह की शायद ये कैंप या दो दुकान लगाया गया है, सरकारी कैंप या दुकान लगाया गया है। ये देख सकते हैं हर जगह जो है यहाँ पे वेपर और LED जो लाइट में लगा दिया गया, अब बहुत ही बेहतर लग रहा है। और आगे चलते हैं हम और आपको आगे दिखाते हैं कि और क्या कैसा सुविधा है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक शॉट में आपको पूरा जो है यहाँ से हम डुमा बॉर्डर तक आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बम यहाँ पे चल रहे हैं, बोल बम बोल बम। तो यहाँ पे देख सकते हैं बम चल रहे हैं, और दुकान जो है ये साइड जो है पूरा लगा हुआ रहता था, लेकिन इस बार दुकान नहीं लगाने दिए हैं प्रशासन, लेकिन दुकान लगता तो और भी मजेदार लगता। अब देखिए कुछ दिन के बाद हो सकता है कि दुकान लग सकता है, अभी तो पता नहीं। बालू तो नहीं बिछा हुआ है, बालू तो कहीं पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बालू अगर बिछा रहता तो और भी मजा आता है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत तो कावरिया को हो रहा है, क्योंकि ये जो है कंकड़ टाइप का है, तो कंकड़ तो काफी चुभते होंगे, क्योंकि लगातार जो है चल रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत होती ही होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है बम जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बोल बम बोल बम। तो काफी अभी देखिए बारिश भी अभी आज नहीं हुआ है, देख सकते हैं तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ गया है, तो बारिश होती तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइटिंग देख रहे हैं हर जगह लाइटिंग लगा दिया गया है, बस लाइटिंग सुविधा हर जगह है, आपको हर जगह जो है LED आपको हर पोल में देखने को मिल रहा है, वेपर वगैरह दोनों साइड से, और अभी भी जला हुआ है। हमको लगता है कि ये हमेशा ही आपको जला ही रहेगा, और लाइटिंग यहाँ पे इधर कभी भी नहीं कटने वाला, रात्रि में किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होने वाला, रात में अभी आप चल सकते हैं, इसकी एकदम बहुत बेहतर सुविधा दिया गया है। अब हो सकता है कि आगे हमारा बालू बिछा होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं बिछा हुआ है, तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पे फिर दो बम जा रहे हैं और पैदल यात्रा, और आगे चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं। और इधर देख सकते हैं ये जो है भवन है, प्रशासनिक शिविर बांक है, ये देखते हैं ये जगह जो बांक कहलाता है। यहाँ पे देखते कुछ और बम चल रहे हैं, ये प्रशासनिक, और यहाँ पे देखिए इधर भी शायद उधर बालू बिछाना शुरू हो गया, अब जो है आपको देखने को मिलेगा बालू बिछ चुका है, और इधर जो है बारिश जो है नहीं हुआ है, अभी जो है बारिश इधर नहीं हो रही है, तो इस वजह से देख सकते हैं आपको कैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बालू बिछ चुका है, अब जो है जैसे बांक से बांक आएंगे तो यहाँ से आपको जो है बांक से आपको बालू बिछा हुआ दिखेगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग को कठिनाई होगा बाइक चलाने में। चलिए फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगातार जो दिखाऊँ। यहाँ पे जैसे कवरिया बम चल रहे हैं, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लाइट हर जगह लग गया है, और थोड़ा सा साइड से चल जाओ या तो जैसे भी बालू पूरा बिछ चुका है, इसमें थोड़ा सा बाइक चलाने में थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर होगा, हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा, हम लोग साइड से कोशिश करते निकलते हैं। और ये हमारा बांक कहलाता है, और बांक में ही एक धर्मशाला है जो घोरमारा धर्मशाला कहलाता है। यहाँ पे जो है हमारा बांक ख़त्म होता है और हमारा जो है घोरमारा स्टार्ट होता है, ये देख सकते हैं ये घोरमारा धर्मशाला है, यहाँ पे जैसे टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ पे भी कुछ बम जो है चल रहे हैं आराम से, तो बहुत ही मजे से चल रहे हैं, बोल बम
बोलबम बोलबम, तो ये देख सकते हैं। और ये वाला जो है ना, ये जो आपको धर्मशाला दिख रहा है, इसमें जो है पूरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, किसी तरह का मतलब कि बम के साथ किसी तरह मतलब कि छेड़खानी ना हो या तो किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पे जो है पूरे इस में लगा दिया गया। इधर यहाँ पे देख सकते हैं बम और भी चल रहे हैं, ये झारखंड की स्थिति है। और यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, लाइट बोर्ड, जो कि आपको देखने में लगेगा। और ये इसका जो है साफ सफाई पूरा जो है काम चल रहा था, तो इसका देख सकते हैं इसके अंदर काम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा जो है सीसीटीवी कैमरा पूरे में लगा दिया गया है। इधर भी देख सकते हैं हमारा कुछ कुछ बम चल रहे हैं। चलिए इधर हम बालू में जो है ना काफ़ी दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इधर जो बालू बिछाया गया है ना, वही आपको जो बिहार में दिख रहा था बालू, वही बालू इधर भी बिछाया गया है। तो 100% है कि अब जो पिछले वर्ष जो दिक्कत हुआ था उसको उसको मद्देनजर रखते हुए जो है प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया है। और फिर आप लोगों का बालू जो है हमारा जो बिहार वाला है, जो सुल्तानगंज वाला बालू, उसको बिछा दिया गया है, देख सकते हैं। लेकिन जो है बीच में ही बिछाया, अच्छी तरीके से पूरे पूरे साइड नहीं फैलाया गया है। अगर आपने पूरा पूरा जगह लिए हैं तो पूरे में फैलाना चाहिए, तो ऐसा नहीं किया हुआ है, सिर्फ जो है बीच में ही बिछा दिया है। साइड से शायद गाड़ी वगैरह जा सकते हैं, पूरे बिछाना चाहिए ना। अगर आप बिछा पूरा दुकान भी बनाने नहीं दिए हैं तो कम से कम पूरा बिछा भी दीजिए, तो ताकि कबीरिया को किसी तरह की दिक्कत ना हो, देख सकते हैं। तो लाइटिंग और बालू बिछ चुका है और बीच बीच में फुहारा भी लगा हुआ है, देखते हैं। इधर तो अभी तक एक भी हमें फुहारा नहीं मिला है, घोरमारा के आगे जैसे हम लोग आए हैं यहाँ भी हम लोगों को कहीं भी फुहारा नहीं मिला है। हाँ देखिए, फिर यहाँ पे एक दुकान आपको देखने को मिल रहा है, देखिए इसके उस पार जो है दुकान लगा सकते हैं, देखिए इस पार उस पार इसको दुकान लगाया गया है, मतलब कि दुकान जो है बनना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। इधर जो है बस ये जो आपको बाउंड्री दिया है, बाउंड्री के उस पार जो है दुकान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खजूर का पेड़ काट के इसका दुकान बनाया जा रहा है। और ये जो लोहे का जो आपको दिख रहा है, ये मतलब कि ये टीना का जो बना हुआ है, शायद ये प्रशासन के लिए ये कोई फ्री सुविधाएं आपको दुकान में मिला जाएगा, मिल जाएगा, या तो स्वास्थ्य केंद्र कुछ बनाया जाएगा, तो अभी इसके बारे में पता नहीं है। तो ये देखिए बालू जो है इसमें पूरा बिछा दिया गया है, बहुत बेहतर। और दुकान तो है, देखिए यहाँ पे एक दुकान, इस बार जो दुकान जो आपको काफ़ी दूर दूर में देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक दुकान बना हुआ है ये साइड, और ये साइड भी बना हुआ है, जो कि उसको उस पार नहर के उस पार बनाना पड़ रहा है। इधर तो कोई भी नहीं बना सकते हैं, सबको मना कर दिया गया है। और इधर देख सकते हैं टोटो जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा हम लोग को आगे निकलना होगा ताकि बेहतर। और देख सकते हैं बालू की जो मोटाई, देख सकते हैं कितना मोटा बालू बिछाया गया, जो कि थोड़ा सा इसमें पानी वगैरह छिड़काव कर देगा तो और अच्छे से चलने में लगेगा। थोड़ा सा हम लोग इधर से निकलते हैं, बालू जो है ये भी जो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कलकतिया, ये जो जगह हमारा कहलाता है कलकतिया, और यहाँ तक हम लोग बालू बिछा हुआ दिखा है। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वन शॉट में पूरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुमा बॉर्डर तक मैं आपको पूरा दिखा दूँ। लगभग 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, ताकि आपको झारखंड के बारे में पूरा बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाए। अब देखिए इधर भी जो है दुकान बनना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं ये दुकान जो है पूरा बनना शुरू हो गया है, ये साइड भी दुकान आप देखेंगे तो इधर भी बनना शुरू हो गया। आपको हमेशा जो हर जगह जो है दुकान बनना शुरू हो गया, जो गांव वाले हैं वो अपना दुकान बना रहे हैं, लेकिन उधर नहीं देख सकते हैं, इधर भी जो है दुकान ये बनाना शुरू कर दिया गया इधर अगर आप देखें। और यहाँ पे कुछ कवरिया आपको चलता हुआ दिख रहा है, कवरिया जो लगातार जो है अभी चल ही रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये हमारा जो है इधर भी जो है हमारा दुकान बन रहा है, मतलब कि दुकान जो है लगातार जो है बन रहा है। निकालिए निकालिए बम जी, देख सकते हैं पूरा जो है बालू जो बिछ गया ना, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है। आराम से हम लोग को जाना होगा, थोड़ा सा बालू जो बिछ गया ना इसमें गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसमें 2 नंबर 3 नंबर चलना पड़ता है, 2 नंबर से ज़्यादा तो इसमें चलेगा ही नहीं। देखिए पूरा जो है बालू जो है पूरा मोटाई करके बिछा दिया गया, इसलिए इसमें चलने में दिक्कत हो रहा है। अगर जहाँ तक संभव होता है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक दिखाऊँ, बारिश हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं था, बालू जो है अच्छी तरीके से बैठ जाता है। इधर देखिए ये दुकान बन गया है, इधर भी दुकान बन गया है, ये झारखंड की स्थिति है, अब आप देख सकते हैं पूरा जो है दुकान अच्छी तरीके से बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बम जा रहे हैं, बोल बम। चलिए
दुकान जो है बनना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो है आपको भी सुन के अच्छा लग रहा है, ये देखिए इधर बन गया है और इधर भी बन गया है, ये देख सकते हैं इधर भी बनना शुरू हो गया। ये न्यू दुकान था, पहले का नहीं, अभी बन रहा है। और यहाँ पे देखिए बालू भी बिछ गया है, दुकान भी बनना शुरू हो गया है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कलकतिया, यहाँ पे देख सकते हैं एक बम हमको मिले हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं कलकतिया। और इधर भी हम आपको दिखाएं, इस जगह जो है फोटो शूट के लिए इस जगह बना हुआ रहता था, इस बार फिर से बनाया जाएगा। और इधर जैसे देख सकते हैं कि ये सब जो है पूरे में आपको दुकान देखने को मिलेगा। अभी जो है बांस वगैरह गिराया है और ये कलकतिया धर्मशाला है, अभी तक ये पूरा फिनिश नहीं हुआ है। इसमें जो है शेड वगैरह मतलब कि तिरपाल वगैरह नहीं लगाया गया है। और ये सामने से भी उसका जो है पूरा शेड बना दिया जाता था, वो अभी नहीं बनाया है। और उसी के सामने जो एक दुकान लगा हुआ रहता था, ये देख सकते हैं ये दुकान जो है इसमें यहाँ पे बन चुका है, बहुत बड़ा दुकान आपको देखने को मिलेगा जो कलकतिया के सामने। और ये दुकान तो आपको 12 मास देखने को मिलेगा, सावन में भी और कभी भी। इधर देख सकते हैं पूरा जो कलकतिया धर्मशाला का जो है इसमें काम जो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पेंट वगैरह कराया जा रहा है और अंदर जो है जो तिरपाल वगैरह कहीं कहीं लग चुका है और बहुत बेहतर तरीके से इधर जो है तैयारी हो रहा है। और आगे हम आपको दिखाएं तो ये साइड देखिए इधर भी बन रहा है, ये हमारा कलकतिया धर्मशाला था। तो आगे चलिए हम लोग नावाडी पहुंच रहे हैं, ये कलकतिया खत्म जैसे ही होती है तो हमारा नावाडी शुरू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो है ना, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। और इधर भी पूरा कहीं कहीं ना फुहारा लगाना चाहिए, इधर कहीं फुहारा नहीं लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो है सिर्फ बैनर लगेगा, इसके लिए इसको बनाया गया है ताकि देखिए प्रचार के लिए तो हर जगह पूरा तुरंत लगा दिया गया है ये प्रचार। और चलिए रास्ते में हम आपको और दिखाते जाते हैं, बालू तो बीत चुका है यहाँ पे, इधर आप देख ही रहे हैं। और कहीं कहीं जो है दुकान जो है बन चुका है। और आपको हम आपको दिखाए थे इधर एक धर्मशाला है जो हमारा बोकारो इस्पात वाला। और इधर देख सकते हैं ये सब सारा जो है प्रचार के लिए सारा अपना लगा रहे हैं, ये सब सारा दुकान जो है बन जाएगा। मेरा हाथ काफ़ी थक चुका है पकड़ के मोबाइल को, लाइटिंग तो पूरे में लग गया, देख सकते हैं अभी किसी तरह का इधर जो है लाइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कब रात्रि को भी आप चल सकते हैं, पूरे में लाइट लगा हुआ है तो बहुत अच्छा एक किया गया है कि लाइटिंग सुविधा दिया गया है। दुकान चलते हैं और कहाँ कहाँ लगा हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। बालू तो आप दिख ही रहा है कि यहाँ पे बिछा हुआ है पूरे में और बिछ भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इधर जो है कुछ दुकान बन रहा है ये साइड में, और आगे देखिए ये शौचालय प्राइवेट शौचालय है। और इधर भी आपको दुकान कुछ कुछ ये वाला एरिया में आपको पूरा दुकान देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप ठहर सकते हैं अच्छे से बना सकते हैं। और आगे देखते हैं ये देखते ये जो लगा हुआ है इसमें जो है आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगाएगा लाइट वगैरह। और इधर देखिए ये दुकान इस बार ही बंद बनाया गया, यहाँ पे आपको दुकान मिलेगा जैसे ही सुरंग पार कीजिएगा नावाडी के पास से ही मिलेगा। अब हम लोग उस पार जाते हैं, ये नावाडी, नावाडी के पहले तो मैं आपको बताया था कि नावाडी में जो बालू ऑलरेडी बिछ चुका है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये नावाडी में बालू बिछ चुका है, बहुत बेहतर सुविधा है। और इधर बारिश जो हुआ था पिछले बार तो उसके वजह से बालू बिछ गया, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा चलने में, बहुत आसानी से हम लोग चल सकते हैं। और देखते हैं आगे जो हमारा बहुत अच्छा बन गया, इधर जो देखने में कवरिया पथ जो है बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बम चल रहे हैं और बम। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं ये धर्मशाला आपको दे ठनठनिया धर्मशाला, और इसको पूरा ही साफ सुथरा कर दिया गया है, पहले इतना नहीं था, पूरा देख सकते हैं क्लीन कर दिया गया। ये हम लोग ठनठनिया धर्मशाला आ चुके हैं और आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे पथ तो इधर बहुत बेहतर बनाया गया है, अगर आप देखेंगे पथ जो है बहुत बेहतर बनाया गया है, किसी तरह का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और बारिश होने के कारण जो ये मिट्टी बैठ गया है ना, तो और भी मज़ेदार है, कवरियों को एकदम आराम लगेगा चलने में और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं ना। अब इसमें जो है कभी भी सिर्फ भारी वाहन नहीं चलेगा तो इसमें किसी तरह का दिक्कत कवरिया को नहीं होने वाला है। दुकान जो अगर हम दिखाएं धीरे धीरे, इधर देखिए ये दुकान जो है बनना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं आपको जैसे ही आएंगे नावाडी आपको दुकान बनना शुरू हो जाएगा, ये ठनठनिया के आगे है। और इधर भी जो है दुकान जो है ये सब दुकान जो है चालू है, यहाँ पे चालू हो जाएगा। इधर भी दुकान जो है बनना शुरू हो गया, मतलब कि झारखंड में जो है ना दुकान बनना शुरू हो गया है। ये साइड भी अगर देखें तो इधर भी जो है बनाना स्टार्ट कर दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से पूरा बन जाएगा। कुछ कुछ दुकान तो आपको पहले से भी आपको हमेशा मिलता ही है, तो ये देख सकते हैं इधर भी दुकान है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं
पूरा एक वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल रहा है, मतलब कि आपको पूरा जो है जानकारी मिल जाएगा कि देवघर से आपका दुमा बॉर्डर तक झारखंड की पूरी स्थिति क्या है। मैं कोशिश किया हूँ कि एक वीडियो में ही आपको कवर करा दूँ। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर देख सकते हैं ये सब दुकान जो है आपको सावन में चालू दिखेगा, अभी भले नहीं दिख रहा है लेकिन सावन में जो है ना पूरा चालू हो जाएगा। और भी बहुत सारे दिख रहा है, इधर देखिए यहाँ पे सोमनाथ भवन जो है यहाँ पे मोहनपुर जिला के इधर बनाया गया है, और भी शौचालय वगैरह हर चीज़ है। ये दुकान भी आपको देखने को मिलेगा सावन में, भीम कुमार यादव होटल और ये सब जितना भी है। अभी तो स्टार्ट नहीं करेगा, ये सब का घर ही है, तो ये कुछ दो चार दिन के बाद होगा। देख सकते हैं यहाँ पर बालू वगैरह तो पूरा बीत चुका है। इधर देखिए ये सब सारा दुकान बना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड से आपको पता चल रहा है कि न्यू दुकान जो बना हुआ है। और इधर ये साइड भी अगर आप देखें तो दुकान बन गया है। तो चलिए आगे तक में आपको देखते हैं कि और कहाँ कहाँ तक दुकान बना है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हैं कवरिया जो लगातार तो आ ही रहे हैं, बीच बीच में हमको मिल ही रहे हैं कवरिया लगातार। और चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और देख सकते हैं कवरिया बम इधर चल रहे हैं, इधर जो है दुकान आपको देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है आपको पूरा बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है गाड़ी की वजह से एक शायद बकरी वगैरह मर गया है, कुछ हुआ है, कोई गाड़ी वगैरह मार दिया है। और इधर जो है ये देख सकते हैं पूरा जो है ये सब दुकान जो है चालू हो जाएगा आपको सावन में, ये सब देखने को मिलेगा। अभी इसमें नहीं हुआ है, ये वाला दुकान जो है लगभग लगभग चालू हो चुका है, यहाँ पे आप ठहर सकते हैं। और इधर जो है ये इधर शौचालय वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा पूरा जो है नवाड़ी कहलाता है, कुछ देर के बाद हमारा जो है दुमा स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी देखेंगे क्या उसका सुविधा है दुमा का। तो चलिए अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना आगे वो पूरे में जो है लाइटिंग व्यवस्था भी लग चुका है। इधर जो है लाइटिंग शायद नहीं लगा हुआ है, इधर जो है लाइटिंग इधर नहीं लगा हुआ है, उधर से देवघर से ही काम होता हुआ आ रहा है कि इधर जो है अभी लाइटिंग वगैरह नहीं लगा हुआ है। इधर देखिए ये सब दुकान जो है बनाना शुरू हो गया, यहाँ पे एक दुकान बन चुका है और ये अभी आपको चालू देखने को मिलेगा, हो सकता है कि पूर्णिमा में। इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ दुकान आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे और भी चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं। ये पूरा जो है इधर देख सकते हैं ये दुकान वगैरह बनना शुरू हो गया है, और ये साइड भी। और ये जो है कंवरिया पथ में हर जगह जो है इस तरह का जो लाइटिंग के लिए लगाया गया है, यहाँ पे आपको बैनर लाइटिंग लगेगा जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। ये सारा बन रहा है और बालू तो बहुत अच्छा बिछ गया है और चौड़ाई भी कर दिया गया है, और जहाँ जहाँ जो इस तरह का जो लगा हुआ है इसके उस पार ही दुकान बना सकते हैं। ये जो बॉर्डर दिया हुआ है रेड और वाइट से, और इस साइड जो है एक दुकान यहाँ पे भी बनेगा, आपको बहुत बड़ा दुकान देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कवरिया चल रहे हैं, और भी कवरिया हमको देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं तो ये देख सकते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कवरिया चल रहे हैं, हर हर महादेव, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरिया आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए और चलते हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा चैनल पर न्यू है तो, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो दूँ। और काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वन शॉट में ही आपको दिखाऊं कि पूरा एक बार में ही पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरे जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर इधर देखें तो इधर भी देख सकते हैं ये दुकान बनना शुरू हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं बम जी चल रहे हैं, और इधर भी देखें ये दुकान बनना चालू हो गया है, पहले ये सब नहीं था। और यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो एक शिविर जो ये बन रहा है, ये देख सकते हैं ये शिविर बनना शुरू हो गया पूरा, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं ये शिविर बन रहा है, और इस जगह शिविर बना हुआ रहता है। और इधर यहाँ पे देखें तो इधर भी दुकान बनना शुरू हो चुका है, और ये जगह भी एक शिविर बना हुआ रहता था, अभी इस बार नहीं बना है। और यहाँ पे अगर आप देखें जो है फुहारा जो है लग चुका है, देख सकते हैं फुहारा जो कि जितने भी आएंगे श्रद्धालु उसके लिए, और बहुत ही आनंद लगेगा इस फुहारा में क्रॉस करने में। और ये हम लोग जो है दुमा कहलाता है, अभी आगे जैसे जाएंगे हम लोग दुमा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। देखिए इधर भी दुकान बन गया है, हर जगह जो दुकान बनना शुरू हो गया, अगर आप देखेंगे तो पूरा जो है हर जगह दुकान बनना शुरू हो गया, और पूरा जो है बालू वगैरह बिछ चुका है। बहुत ही अच्छा है कि देख सकते हैं यहाँ पे बांस वगैरह ले आए हैं सब कोई, और दुकान बना रहे हैं। हर जगह जो पुराना दुकान था इस जगह भी एक दुकान बनेगा, जहाँ जहाँ पुराना दुकान था उसको हटा दिया गया है और न्यू दुकान बना दिया गया है। और
इधर देखिए, इधर भी एक दुकान बन रहा है, थोड़ा हट के बना रहे हैं क्योंकि पथ से थोड़ा सा हट के बना रहे हैं। देखिए इधर भी, ये भी दुकान बनेगा, इधर भी दुकान बनेगा, जो है ये जगह जो है पथ से हट के सबको बनाने का ऑर्डर दिया है, इसलिए सबको पथ से हट के बना रहे हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं, इधर देखिए पूरा जो है दुकान बन रहा है, और आगे देखिए बालू तो पूरा अच्छे तरीके से बिछ गया है और कवरिया चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देखिए इधर जो है बारिश थोड़ा सा नहीं हुआ था जिसके वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ बम आ रहे हैं। फिर हमें कुछ दूरी के बाद जो हमारा एक झरना देखने को मिला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये झरना फिर मिला है, मतलब कि जगह जगह पे जो झरना लग चुका है बहुत ही बेहतर है और बहुत ही मज़ा आएगा। पूरा वीडियो देखिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से लग रहा है कि हम लोग अभी दुमा आ चुके हैं और दुमा बॉर्डर भी बाकी है, कुछ ही देर के बाद हम लोग दुमा बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे जो कि आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। बालू तो पूरे में बिछ गया है, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कबरिया जो चल रहे हैं उसको बहुत ही आनंद आ रहा है। आगे चलते हैं, इधर देखिए ये भी इधर भी दुकान बनाना शुरू कर दिया गया है, मतलब कि हर जगह जो दुकान अब झारखंड में भी आपको मिल जाएगा और उसके लिए निश्चित रहें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हर जगह जो दुकान जो है बनेगा ही। और चलते हैं आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं, इधर भी देखिए ये पूरा दुकान जो है बनना शुरू हो गया है, शौचालय स्नान घर यहाँ पे मिल जाएगा, जगह जगह पे आपको सारा सुविधाएं मिल जाएगा। इधर भी देखें दुकान बनना शुरू हो गया है ये साइड, और यहाँ पे जो है ये भी, और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना हमारा काउंटिंग होता है कवरिया काउंटिंग, इसका भी सेट पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जहाँ पे कवरिया का काउंटिंग होता है ये सेट बना दिया गया और अभी बन भी रहा है, कुछ कुछ जैसे जो जो तैयारी नहीं हुआ है उसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जहाँ पे कवरिया के काउंटिंग होता है, तो यहाँ से ही काउंटिंग होता है, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, ये तैयार हो ही रहा है पूरा अच्छी तरीके से, मैं कोशिश किया हूँ आपको दिखाने का। और आगे चलिए हमारा दुमा बॉर्डर कहलाता है, तो बस दुमा बॉर्डर हम लोग आ चुके हैं, कुछ ही क्षण में हमारा क्या होगा दुमा बॉर्डर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बेहतर लग रहा है, और कवरिया सब जो आ रहे हैं और जिसमें से पूरा कवरिया चलेंगे तो और जो है आपको रोचक देखने को मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार जगह है ये बाबा का नगरी। और बहुत सारे यहाँ पे देखिए बम आए हुए हैं गाड़ी लेके, लेकिन अलाउ नहीं करेगा सावन में, इधर देख सकते हैं कुछ बम यहाँ पे ठहरे हुए हैं दुकान में। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बम चल रहे हैं, बोल बम। अब देखिए ये दुम्मा, और दुम्मा में आपको दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा रह रहा है, और यहाँ पे भी आपको फुहारा लगा हुआ है आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दुम्मा में भी फुहारा लगा हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे भी फुहारा लगाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूरा जो है सेट तैयार हो गया है। इधर देखिए दुकान वगैरह जो है नहीं बना हुआ है, ये सब शायद दुकान हो सकता है कि अब बनेगा, इसमें साफ़ सुथरा अभी नहीं हुआ है, ये सब दुकान आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ दुकानें जो साफ़ सुथरा हुआ है, जैसे कि ये दुकान साफ़ सुथरा हुआ है यहाँ पे ही बनेगा, और ये हमारा पहुँच चुके हैं दुम्मा बॉर्डर, इधर जो है बन गया है। ठीक है, फाइनली दोस्तों हम लोग जो है दुमा बॉर्डर आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से इसका तैयारी हो रहा है और अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं इधर ये जो है सेट बन रहा है, तो कैसा लग रहा है अब हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको इधर भी दिखाऊं तो ये दुमा बॉर्डर है, बहुत ही बेहतर सुविधा आपको मिलेगा। और ये अभी ये हमारा जो है झारखंड का है, मैं बिहार का उस पार जो है बिहार से हमारा यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे दुमा बॉर्डर से लेके आपको देखने को मिलेगा हमारा गोड़ियारी नदी तक कैसा है वो आपको देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। जय शिव, जय भोले वाह, हर हर महादेव।